दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि बॉलीवुड के पुराने दौर के अभिनेत्रियों और आज के दौर की एक्ट्रेसेस में कौन बेस्ट है, तो आप यकीनन पुराने दौर की एक्ट्रेसेस को ही चुनेंगे, क्योंकि वो सभी एक्ट्रेसेस इस कदर दमदार अभिनय प्रदर्शन किया करती थी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग करती हैं, बल्कि वो सब हकीकत ही लगता था। और ये काबिलियत आज के एक्ट्रेसेस में कहाँ है, इसीलिए तो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन दोस्तों, आप पुराने दौर के उन सभी एक्ट्रेसेस के बारे में तो अच्छे से वाकिफ ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन सभी एक्ट्रेसेस के रियल लाइफ हस्बैंड और बच्चों के बारे में, जो इनकी तरह काफी ज्यादा सक्सेसफुल है और इनसे बेहद प्यार करते हैं। क्यों? लेकिन क्योंकि वो लाइमलाइट से कोसों दूर रहते हैं, इसीलिए उनके बारे में ना ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन पुराने दौर पर राज करने वाली अभिनेत्रियों के रियल लाइफ पार्टनर्स और बच्चों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो आइए एक एक कर जान लेते हैं उन सभी के बारे में। नंबर एक, नीतू सिंह। नीतू सिंह अपने दौर की बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रही है, लेकिन वही बात करें इनके पति और बच्चों के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने एक्टर ऋषि कपूर से साल 1986 को शादी की थी, और जो कि एक लव मैरिज थी। आगे चलकर दोनों ही दो बच्चों के माता पिता बने, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका 30 अप्रैल 2020 में ही निधन हो चुका है। आपको बताते चले कि ऋषि कपूर ने अपने करियर में चांदनी, बॉबी, प्रेम रोग जैसी कई यादगार फिल्में दी है। वही बात करें इनके दोनों ही बच्चों के बारे में, तो इनकी बेटी का नाम रिद्धिमा कपूर है, जो कि पेशे से एक फैशन डिजाइनर है, और साल 2006 में बिजनेसमैन भरत साहनी के साथ शादी रचा चुकी है, जिनसे इन्हें एक बेटी भी प्राप्त हो गई है। बेटी की बात करें इनके छोटे बेटे के बारे में, जिनका नाम रणबीर कपूर है, एक एक्टर, और अब तक उन्होंने तमाशा, संचू और ये जवानी है दीवानी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम भी किया है। और उनके आने वाली फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि आलिया भट्ट के साथ नजर आने वाले हैं। नंबर दो, डिंपल कपाड़िया। 80 के दशक की एक लोकप्रिय अभिनेत्री हुआ करती थी डिंपल कपाड़िया, जिन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ साल 1973 में लव मैरिज रचाई थी, और बाद में दो बेटियों की मम्मी भी बनी। बता दें कि इनके पति यानी कि राजेश खन्ना ने कटी पतन, अमर प्रेम, आनंद और अवतार जैसी कई सुपर टूपर हिट और बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, लेकिन साल 2012 में उनका निधन हो चुका है। वही बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनकी दो बेटियां हैं, जिनका नाम ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना है। इनके दोनों ही बेटियां इन्हीं की तरह अभिनेत्री हैं, और ट्विंकल ने मेला, बरसात और इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, तो वहीं रिंकी खन्ना ने जिस देश में गंगा रहता है, झंकार बीट्स और प्यार कभी कभी जैसी कई फिल्मों में काम किया है। अगर बात की जाए इन दोनों के पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ट्विंकल ने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ साल 2001 में शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटे आरव और एक बेटी नितारा हुए। वहीं रिंकी ने बिजनेसमैन समीर सारन के साथ साल 2003 में शादी रचाई, जिनसे इन्हें एक बेटी नाओमिका है। नंबर तीन, हेमा मालिनी। ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी ने साल 1989 में बॉलीवुड के ही मैन यानी कि धर्मेंद्र के साथ शादी करके अपना घर बसाया, जिसके बाद इनके घर दो बेटियों ने जन्म लिया, जिनका नाम ईशा और अहाना है। आपको बताते चले कि ही मैन यानी कि धर्मेंद्र 80 के दशक के मशहूर और एक टैलेंटेड अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने धर्मवीर और शोले जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, और आज भी वो बतौर एक्टर फिल्मों में काम करते अक्सर नजर आते हैं। पति के बाद बात करें इनकी दोनों बेटियों के बारे में, तो इनकी बेटी यानी कि ईशा देओल एक अभिनेत्री है, जिन्होंने धूम, युवा और नो एंट्री जैसी कई फिल्मों में काम किया, और साल 2012 में उन्होंने बिजनेसमैन भरत तख्तानी के साथ शादी की है, जिनसे इन्हें दो बेटियां भी हैं। वहीं इनकी छोटी बेटी अहाना देओल एक भरतनाट्यम डांसर है, और साथ ही उन्होंने न तुम जानो न हम जैसी कई फिल्मों में काम किया है। बता दें कि उन्होंने बिजनेसमैन वैभव वोरा से शादी की है, जिनसे उन्हें 3 बच्चे भी हैं। नंबर चार, मीनाक्षी शेषाद्री। दामिनी, घायल और घातक जैसी कई यादगार और सुपरहिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस है मीनाक्षी शेषाद्री, जो कि अब बॉलीवुड की दुनिया से कोसों दूर है। लेकिन बात की जाए इनके रियल लाइफ पार्टनर और बच्चों के बारे में, तो आपको बताते चले कि इन्होंने बैंकर हरीश मैसूर से साल 1995 में लव मैरिज कर अपने करियर को फुल स्टॉप दे दिया था, जिसके बाद उनके साथ आगे चलकर इन्हें 2 बच्चों का आशीर्वाद भी मिला। आज शादी के इतने सालों बाद भी ये उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। के बाद अब बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनकी एक बेटी है जिसका नाम कैंड्रा रखा हुआ है, और एक बेटी है जिनका नाम जोश है। इनके ये दोनों बच्चे आज काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, लेकिन पुरानी ही तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं, इसीलिए वो आज क्या कर रही हैं, कितने साल के हैं और कैसे दिखते हैं, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। नंबर पाँच, जया प्रदा। तोहफा फेम एक्ट्रेस जया प्रदा के पति और बच्चों के बारे में बात करते हुए, पहले बात कर लेते हैं इनके पति देव यानी के हस्बैंड के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके पति का नाम श्रीकांत नहाता है।
जिनसे इन्होंने साल 1986 में शादी रचाई थी। बता दें कि श्रीकांत पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे, इसलिए शादी के कुछ सालों बाद ही ये इनसे अलग रहने लगी, लेकिन तलाक नहीं लिया, इसलिए इन दोनों की अपनी कोई संतान नहीं है, लेकिन एक बेटे को इन्होंने गोद जरूर लिया है। आपको ये भी बताते चले कि श्रीकांत नहाता पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर है, जिन्होंने मजाल, वफादार और हैसियत जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। वहीं बात करें इनके गोद ले हुए बेटे के बारे में, तो उनका नाम सिद्धू है, जो कि उवैयरे फिल्म के साथ कन्नड़ इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं और साथ ही साथ शादी कर सेटल भी हो गए हैं। नंबर 6, रीना रॉय। रीना रॉय बॉलीवुड की अदाकारा है, जिन्हें फिल्म नागिन में नागिन के अवतार के लिए याद किया जाता है। लेकिन वही बात करें इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, यानी इनके रियल लाइफ हस्बैंड और बच्चों के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ शादी की थी और एक बेटी की मम्मी भी बनी थी, लेकिन बेटी के जन्म के बाद मोहसिन ने इन्हें तलाक दे दिया, जिसके बाद से ही अपनी बेटी को अकेली ही परवरिश कर संभाल रही है। बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो उनका नाम सनम है, जो आज 25 साल की है और वो इन दिनों अपनी मम्मी के साथ स्कूल में एक्टिंग सीख रही है और साथ ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने की फुल ऑन तैयारी में है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस अभिनेत्री के पति और बच्चों के बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी और शॉक्ड हुई है? आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ बॉलीवुड के और भी ऐसे ही कलाकारों के पार्टनर्स और उनके फैमिली के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।